हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। तो देखते हैं कि क्या यह मॉडल है और क्या इसका प्लान वगैरह है। तो देखो, बेसिकली हम इसकी बात करें कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो बेसिकली जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इनको स्थापित है। वो क्या कहता, ये एक तरीके का आवासीय स्कूल है जो कि हमारे देश के जो शेड्यूल ट्राइब है, ऐसी एक है जो शेड्यूल ट्राइब है, बेसिकली इंडियन ट्राइब्स हैं, उनके लिए बेसिकली ये स्कूल है वो खोले गए हैं। अब इसमें कुछ देखो प्रावधान वगैरह है, यूपीएससी उन स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन हमें एक तो पूछ सकती है। पहला तो ये ध्यान रखना कि एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी एकलव्य मॉडल के जो आवासीय स्कूल है, वो बेसिकली जो एसटी कम्युनिटी है या फिर जो शेड्यूल ट्राइब है इनके लिए स्थापित है वो किए गए हैं। इसके कुछ फैक्ट जैसे इस प्रकार हैं कि उनकी फिजिकल, मेंटल और जो सोशल लेवल डेवलपमेंट है, मतलब उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इनकी स्थापना है, इनकी शुरुआत है वो की गई थी। इसी के साथ ही जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एक तरीके से एम्पावर किया जाएगा, उनके जो भी हुनर है, उनके जो भी टैलेंट है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जो वहाँ के विलेजर्स हैं, लोकल, उनकी हेल्प से उनको वहाँ पे एजुकेटेड है वो किया जाएगा और टीचर्स की फैसिलिटी वो अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ ही उनको फिजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो सारी फैसिलिटीज उनको सपोर्ट के थ्रू दी जाएंगी। ये तो है बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। इसके साथ कुछ फैक्ट इस प्रकार है कि देखो, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है इसको स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। स्टार्टिंग में लगभग 30 लाख रुपए हैं वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को स्टार्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद हर साल पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक ग्रांट के थ्रू। तो इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अगर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो ओपन किए जाते हैं तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनको फंड दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के तहत। वो आपको ध्यान रखना है कि इनको जो ग्रांट प्रदान की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 2751 यानी आर्टिकल 275(1) के तहत। बेसिकली एकलव्य रेजिडेंशियल जो स्कूल है इनको फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक तो फैक्ट है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके साथ ही 2018-19 के बजट में ये प्रावधान किया गया था कि वो एरिया हमारे देश का है, वो ब्लॉक वाले एरिया जहाँ पे बेसिकली एसटी कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब की संख्या 50% से ज्यादा है, उन एरियाज में बेसिकली एटलीस्ट कम से कम एक स्कूल है वो ओपन किया जाए और वहाँ की जनसंख्या है वो होनी चाहिए लगभग 20,000 ट्राइबल पर्सन वहाँ पे रहने चाहिए। मतलब वो एरिया जहाँ पे लगभग 20,000 ट्राइबल पर्सन रह रहे हैं और वहाँ पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एसटी कम्युनिटी की है, तो उनको बेसिकली वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो टारगेट रखा गया है कि 2022 तक ये टारगेट अचीव किया जाए, मतलब वो एरिया जहाँ पे एसटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है या 20,000 से ज्यादा है, उन एरियो में बेसिकली 2022 तक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो ओपन किए जाएंगे। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था और कुछ फैक्ट है जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है, तो उनको हमने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एडोप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। देखो बेसिकली जो एडोप्ट हेरिटेज प्लान है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी हेल्प से स्टार्ट किया गया है। तो मतलब यह एक कोलैबोरेटिव एफोर्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनिशिएटिव लिए गए। इसमें होता क्या है एडोप्ट हेरिटेज में, जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है कि एडोप्ट ए हेरिटेज मतलब एक हेरिटेज है, एक धरोहर है, उसको आपको एडोप्ट करना है, गोद लेना है। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई पब्लिक सेक्टर या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी होगी या फिर प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी होगी, कोई भी बेसिकली एक हेरिटेज को एडोप्ट कर सकता है, उसका मेंटेनेंस, उसका देखभाल, उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सारे काम अपने सानिध्य में कर सकता है। इसका देखो फायदा क्या होगा कि जो भी पर्सन या जो भी संस्था एक तो जिस भी हेरिटेज का फोकस करेगी, उसको कंजर्व करेगी, वो अपना प्रचार प्रसार खुद का कर सकती है, उसकी एक तरीके से गुडविल है वो क्रिएट होगी। इसके साथ ही जो हेरिटेज साइट है वो भी एक तरीके से प्रिजर्व है, वो की जा सकती है और वहाँ पे टूरिज्म को भी प्रमोट है वो किया जाएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं वो होने वाले हैं। तो इसके बेसिकली टैगलाइन है वो है अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये देखो बेसिकली स्कीम है वो 27 सितंबर 2017 को स्टार्ट है वो की गई थी। आप ये बताइए कि 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है 27 सितंबर, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 27 सितंबर को कौन सा डे वो बेसिकली होता है और उसी मौके पे बेसिकली प्लान है या एक स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो की गई थी। इसमें होता क्या है कि जो भी साइट है, जो भी धरोहर किसी के द्वारा एडोप्ट की जाती है उसमें बेसिकली जो बेसिक फैसिलिटीज होगी जैसे कि सफाई होगी,
पब्लिक कन्वीनियंस हो गए, जो टॉयलेट वगैरह हुई वो, इसके साथ ही जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया वो, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए इजीली वहां पे एक्सेसिबल टैक्सी वगैरह वो प्रोवाइड करवाना, इसके साथ ही वाईफाई, जो बेसिक एनिमल फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड है वहां पे करवाई जाएंगी, जिससे टूरिज्म है उसको प्रमोट भी किया जाएगा, फॉरनर्स भी आएंगे और हमारे देश को फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है, ये ध्यान रखना है कि एडोप्ट हेरिटेज जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कोई फंडिंग नहीं दी जाती है, मतलब इसमें गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं देती है, इसमें जो भी इसको हेरिटेज को अडॉप्ट कर रहा है वो पैसे देके उसको कंजर्व कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसमें कोई भी फंडिंग है वो नहीं दी जाती है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके तहत भी इसका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है एडोप्ट हेरिटेज में, ताकि उस हेरिटेज को प्रमोट है वो किया जा सके, जो नेशनल मोन्यूमेंट हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए उनको बेसिकली फोकस किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लगे हाथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके जो फाउंडर है वह अलेक्जेंडर कनिंघम, तो यह ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बेसिकली इसकी स्टार्ट है वो की गई थी, मतलब आजादी से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक्टिव है या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम है वो करता है। इसके साथ ही इसका काम यह है कि हमारे देश में जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्लान लेके आने हैं, कल्चर हेरिटेज को फोकस करना हो, वो सारे काम हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव मोटा मोटा यही है कि हमारे देश में जो भी एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं नेशनल इंपोर्टेंस की, उनको बेसिकली मेंटेन करना, उनको कंजर्व करने का इसका काम है वो होता है। इसके साथ ही इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया जिसका नाम है एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रेमिनेंस एक्ट 1958 और एक और है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। इसके तहत बेसिकली एक परफॉर्म है वो, एक्टिव है वो, काम है वो करता है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है इम्प्रेस स्कीम के बारे में। इम्प्रेस की फुल फॉर्म यहाँ पे है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस स्कीम। तो देखो बेसिकली ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD की है, ये चीज हमें ध्यान में यहाँ पे रखनी है। इस स्कीम में होता क्या है वो हम देखते हैं। देखो हमारे देश के अंदर सोशल साइंस मतलब जो सामाजिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और हायर एजुकेशन में उसकी क्वालिटी को सिक्योर करने के लिए बेसिकली ये स्कीम है वो आई थी इम्प्रेस स्कीम। तो ये बेसिकली जो इस बार 2018 में अक्टूबर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। काम इसका ये है कि हमारे देश में सोशल साइंस के एरिया में रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, जिसके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम लेके आती है, उसी तरीके से सोशल साइंस के एरिया में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इम्प्रेस स्कीम है वो आई है। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए, उनको पहले तो आइडेंटिफाई करेगी और उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनमें रिसर्च के लिए उनको पैसा है वो दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट है वो दिया जाएगा। तो लगभग एक प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट है वो 20 से 35 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट देने वाली है और टोटल इसमें बजट रखा गया वो क्या गया 414 करोड़ रुपए और 1500 प्रोजेक्ट को इसमें फंडिंग देने की बात है वो की गई है हमारे देश में। तो ये तो बजट वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल साइंस में प्रोजेक्ट को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके बाद में उनको फंड है, रिसर्च है सोशल साइंस में वो, उसके लिए बेसिकली उनको गवर्नेंस है, सोसाइटी है, इसके फोकस किया जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि इम्प्रेस स्कीम को एक तरीके से इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, तो इसके लिए हमारे देश में एक एजेंसी है, एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। ये बेसिकली हमारे देश में सोशल साइंस को प्रमोट करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। तो इस रिसर्च सेंटर के द्वारा बेसिकली हमारे देश में इसको इम्प्लीमेंट है, इम्प्रेस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च है उसको 1969 में डेवलप है वो, तैयार है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हायर एजुकेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में या हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी के बारे में। तो देखो हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ HRD और केनरा बैंक की हेल्प से स्टार्ट की गई है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD और केनरा बैंक है, उन दोनों ने हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनाई है। इसका काम क्या है, हमारे देश में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको फाइनेंशियल एड देनी है वो इसके द्वारा दी जाएगी। देखो पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, ग्रांट प्रोवाइड करवाएंगी, वो UGC देती थी, बट आपको पता है कि UGC पे काफी सारा वर्कलोड हो जाता था, इसीलिए हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनेगी। उसका काम सिर्फ यही है कि भाई जिन भी इंस्टीट्यूट संस्थाओं को बेसिकली फंड की जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो उन गाइडलाइन को फुलफिल करेंगे तो उनको फाइनेंशियल एड है वो दी जाएगी। इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है
कि जो 91% जो शेयर वेटेज है वो तो रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, और जो केनरा बैंक है वो इसमें 9% अपना शेयर धारक है वो है, मतलब मैक्सिमम हिस्सेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की यहाँ पे है। अब इसमें काम क्या होगा, इसमें देखो मेन फोकस ये क्या गया है कि हमारे देश में जो भी प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको बेसिकली 2022 तक कैपिटल है वो प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है वो फंडिंग की काफी कमी से जूझ रहे हैं, और वो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव है वो स्टार्ट या ये एजेंसी स्टार्ट है वो की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन जो फाइनेंसिंग एजेंसी है वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट एक एजेंसी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई गई 2013 के तहत बनाई गई थी। इसके साथ ही यूनियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई डिपॉजिट है वो एक तरीके से नहीं लेने वाली है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो है वो करती है। तो इस पे बेसिकली स्टेटमेंट के थ्रू यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है यूपीएससी दे सकती है, कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कंपनीज एक्ट के तहत बेसिकली बनी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि डिपॉजिट वगैरह को रिसीव है वो नहीं करने वाला है। अब हम देखते हैं आगे, आगे है यहाँ पे नाविक के बारे में, तो नाविक के बारे में हम देख लेते हैं कि नाविक का बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है। देखो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने 200 नाविक जो पावर सैटेलाइट इनेबल कम्युनिकेशन डिवाइस हैं वो बेसिकली जो वहाँ पे मछुआरे हैं उनको प्रोवाइड करवाएं, तो ये तो है कंटेक्स्ट। हम नाविक के बारे में जानते हैं, देखो आपको पता है कि नाविक है वो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिस तरीके से यूएस का जो जीपीएस है जिसे हम यूज करते हैं अपने फोन वगैरह में, उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना एक तरीके का जीपीएस टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है बेसिकली नाविक। नाविक का मतलब है यहाँ पे नेविगेशन विद इंडियन कंसुलेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाविक है, इसको दूसरा नाम वो भी है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना कि 8 सैटेलाइट हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसमें 8 सैटेलाइट हैं और उनकी हेल्प से बेसिकली जो नेविगेट है वो करने वाला है। तो अभी देखो जो मछुआरे वगैरह हैं, आपको पता है कि जब भी ये समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने तो कई बार काफी गहरे पानी में चले जाते हैं और उस कंडीशन में अगर तूफान या कुछ भी साइक्लोन आ रहा होता है तो इनकी जान माल का नुकसान हो जाता है, तो उनको अलर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए और ये इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस ना करें इन सब के लिए उनको जीपीएस सिस्टम दिया गया जिसका नाम है बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के तहत नाविक पावर। तो ये हमें ध्यान में रखनी है कि भाई फिशिंग बोट पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में, ताकि वो बेसिकली कोस्ट को पार निकले, जब भी अगर सुनामी वगैरह कोई भी ऐसा अलर्ट हो तो पहले ही उनको अलर्ट है वो मिल जाएगा कि भाई मौसम खराब होने वाला है तो वो गहरे पानी में ना जाए, इसलिए मछुआरों की सेफ्टी के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव वो स्टार्ट किया गया है। ये फैक्ट इसमें ये है कि नाविक जो सैटेलाइट सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है, यह हमारे देश के आसपास की 1500 किलोमीटर तक की रेंज है, जैसे कि ये आपको पता है ये हमारा जैसे इंडिया बन गया यहाँ पे, तो इंडिया के आसपास की जो 1500 किलोमीटर तक की रेंज है उसको बेसिकली कवर है वो करने वाला है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, 8 सैटेलाइट है और 1500 किलोमीटर तक की रेंज है इंडिया के बाहर, उसको ऑलमोस्ट कवर करने वाला है, न कि ऑल ओवर वर्ल्ड को। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है अंडर द सेल ट्री। देखो अंडर द सेल ट्री है वो बेसिकली रंगमत महोत्सव है, कहाँ का ये इम्पोर्टेंट है, ये है बेसिकली आसाम का, आसाम का एक जिला डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है गोलपाड़ा जिला या गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे बेसिकली हर साल दिसंबर में ये अंडर द सेल ट्री एक रंगमत महोत्सव मनाया जाता है। आपको बताया कि साल एक पेड़ की प्रजाति है और उसके लिए बेसिकली महोत्सव मनाया जाता है, मतलब एक तरीके से जो मनुष्य को नेचर से कनेक्ट करने के लिए जंगलों के बीचों बीच इसका एक आयोजन है वो किया जाता है, वहां पे साल के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके लिए बेसिकली इसका आयोजन है वो किया जाता है, तो 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें एक तो यही है कि असम के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जाता है। इसके साथ ही जो असम थिएटर के एक महान जो प्रतिष्ठित विख्यात जो कलाकार थे जिनका नाम है शुक्राचार्य राभा, उन्होंने बेसिकली इसकी स्टार्ट है वो की थी नेचर को एक तरीके से कनेक्ट करते हुए, तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट था, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम देखते हैं आज का एक क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली बारदोली चेराहा के बारे में, तो आपको बताना है कि बारदोली जो चेराहा है वो किसको रेफरेंस करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि टाइप ऑफ सोल इन हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन आसाम ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ए रबी क्रॉप स्पेशली कल्टिवेटेड इन पंजाब प्लेन्स, मतलब पंजाब के मैदानों में एक रबी की स्पेशल फसल जो बोई जाती है, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस, मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो खेती है
उसको बेसिकली जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में की जाती है उसको बेसिकली बारदोली चराय के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई बारदोली जो चेरा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।